भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। कस्बा पिनंगवा के खोखे में आग लग चुकी है और ये जो खोखा है ये कस्बा पिनंगवा के ढाणा मोड़ पर है। इस खोखे में परचुनी का सामान था और जो मालिक है दुकान के वो बता रहे हैं कि इस दुकान में करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का सामान भरा हुआ था। लेकिन सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात ये रही कि जब आग लगी है तो आग ने अपनी लपटों में उस सारे सामान को ले लिया और वो सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। हालांकि अभी किन कारणों से आग लगी है इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। दुकान मालिक का कहना ये है कि हो सकता है कि बिजली की स्पार्किंग या पीछे से किसी ने बीड़ी जलाकर फेंक दी हो, उसकी वजह से भी ये आग लग सकती है। और ये कोई पहला हादसा नहीं, इससे पहले भी कई बार हादसा हो चुका है जिसकी वजह से इनका लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो चुका है। ये पीछे की तस्वीर आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से आग अभी भी यहाँ पर लगी हुई है। हालांकि इन लोगों ने बुझाने की कोशिश की है, पूरी तरीके से आग अभी भी नहीं बुझ पाई है। जितना इनसे हो पाया है आग पर काबू पाने की कोशिश की गई है। फायर ब्रिगेड यहां पर नहीं बुलाई गई, उससे पहले ही आसपास के जितने भी दुकानदार थे, मकान के लोग थे, अड़ोसी पड़ोसी थे, वो दौड़कर आए लगी हुई आग को देख करके, उसके बाद इस आग पर काबू पाया गया है। ये अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये वो दुकान थी जिसमें सामान रखा हुआ था, पूरी तरीके से अभी भी गर्म है, यानी कि अंदर जाएंगे तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। पूरे लोहे की टीनें हैं जो कि अभी भी गर्म, जिसकी वजह से तपिश यहाँ पर बनी हुई है। आखिरकार क्या कुछ कहता है दुकानदार, आइए उनसे जानते हैं। तैयब हुसैन जी, तैयब जी, आग लगी है, पहले भी आपसे आग लगी है, क्या क्या इसमें सामान आपका जल कर रहा है? सर इसमें पेप्सी वगैरह कुछ वैसा आइटम का, चैन का, यह 1.5 लाख रुपये का माल था इसमें। कैसे आग लगी? मैं तो यह दुकान पर जी अभी तक अड्डा तक गया था, इसने मुझे आग लगी पाई, पाछे से लगी है सर, बिजली से लगी है या किसी और चीज़ से लगी है मैं कह ना सकता। क्या चाहते हैं आप जी? चाहे कोई हमारे लिए सरकार मदद करे जी। पहले भी आग लगी? हाँ जी। कैसे लगी? अब पता ही ना पड़े जी कैसे लगे आग, या समस्या की पता ना पड़ रही। हम बंदे भीतर लौटे हुए थे जी, ये तो आके जगाया मैंने भी कि आग लग गया। अहमद भाई सामान पूरा जल गया, सारा खत्म, सामान कुछ नहीं बचा इसमें। परचुनी दुकान थी? हाँ, परचुनी भी माल था इसमें, सारा कुछ सिस्टम खत्म है, हम कुछ ना बचो। अच्छा, पहले कितने रुपए का नुकसान हुआ था? पहले भी करीब इतने का ही हुआ था, इतने का बोया कम माल रखते हैं, इसलिए हमने भाई अपने खोखा है यहाँ गंद वंद पड़े रहे। अच्छा, लगी तो स्पार्किंग भी थी या फिर वैसे कोई चूल्हा? भैया हम यह बात है मैं नहीं मोड़ सकता, सर्विस भी हैगी जी, वो सर्विस भी ना टूटी, जब टूटी जब आग लग के जब डोरी के ऊपर आग गई है, हो सकता है पीछे से कैसे बीड़ी उड़ी फेंक दी, उसने भी लग ऐसे भी लग सकती है। जब पूजा के बारे में कुछ ना कह सका जी हम।